हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज हम बनाने वाले हैं आलू के पराठे। बहुत ही नए नए तरीके से हम चार अलग अलग तरीके के पराठे बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट, जिसमें स्टफिंग भी बिल्कुल अलग होगा और आलू के पराठे बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अच्छे लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा। ये ऐसे हैं जो आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा, इतना ज़्यादा नया और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। रोज़ रोज़ के सिंपल से आलू के पराठे बना बना के बोर हो गए होंगे। चार नए तरीके आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगेगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। कढ़ाई को मैंने गर्म होने रख दिया है, एक चम्मच तेल डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा, दो हरी मिर्च को बारीक काट के लिया है वो भी डाल देंगे, बारीक कटी हुई लहसुन, एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हमें हल्का सा भुनना है जब तक कि कच्चा फ्लेवर ख़त्म नहीं होता तब तक। और उसके बाद दो मिनट तक भुनने के बाद हम इस पर डालेंगे एक छोटी चम्मच ये भुना हुआ धनिए का पाउडर है। मैंने अच्छे से इनको कूट लिया है भुने हुए धनिए को, और एक छोटी चम्मच डाल देंगे। 1/4 टीस्पून के करीब में जीरा पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और इन सारी चीज़ों को मिलाकर हाई फ्लेम पर हमें 1 से 2 मिनट तक भुनना है। और उसके बाद हम इनको प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब हमें लेना है एक बड़ा सा बाउल, और बाउल में हम डालेंगे 2 कप के करीब में गेहूं का आटा। इसको अच्छे से छान लें, और आटे में हमने जो यहाँ पे मसाला बना के तैयार किया ना वो हम इसमें ऐड कर लेंगे सारे। अब हम इसमें डालेंगे मैश किया हुआ आलू। ये मैंने यहाँ पे 2 आलू को मैश कर दिया अच्छे से, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, धनिया के पत्ते डाल देंगे बारीक कटे हुए, 2 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है। और अब इन सारी चीज़ों को हमें हाथों से पहले अच्छे से मिलाना है, और उसके बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा ये देखिए। और उसके बाद हम इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं आटा होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। तो हम इनको गूंथ लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट मैंने तैयार किया है, आप देख सकते हैं। हम इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। तो ढक्कन लगा देंगे और थोड़ा सा ऑयल से हम इनको ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये चिकना हो जाए। और उसके बाद हम इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देते हैं ढक के। 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इनके पराठे बनाएंगे। आटा सेट हो चुका है, तो थोड़ा सा सूखा आटा ले लेते हैं, और जो हमने आटे को तैयार किया था उसमें से एक छोटी सी लोई हमने तोड़ लेनी है। जितनी पतली बनानी है पतली बनाएं, मोटी बनानी है मोटी बनाएं, लेकिन थोड़ी सी मोटी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने इनको सूखे आटे में लपेट लिया है, और अब इनको हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इनको फैलाना है। चाहे तो हाथों से भी फैला सकते हैं, और चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल के इनको अच्छा सा रूप दे सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया है, और अब मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है, और तवे पे हम ये जो पराठा है हम इसको रख देंगे, और एक साइड अच्छे से सिकने के बाद हम इनको उलाट लेंगे और दूसरे साइड भी सेक लेंगे। अच्छे तरीके से सिकने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे एक साइड में, और दूसरी साइड भी हम इनको टर्न करके घी लगा देंगे, और इनको क्रंची होने तक हम इनको कुक करेंगे अच्छे से सेक लेंगे। उसके बाद क्रिस्पी करेंगे, तो आप देख सकते हैं अच्छे से क्रिस्पी होने लगे हैं, और बहुत ही टेस्टी तरीका है। आप इसको पराठे टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। स्टफिंग करने की कोई झंझट नहीं, पराठा फटने का भी कोई डर नहीं। इस तरीके से आप ये पराठे आलू के बना सकते हैं, और स्वाद बहुत ही औसम है। आप दही के साथ में, अचार के साथ में, या फिर बिना अचार के साथ में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी है। तो कैसा लगा ज़रूर लिख के बताइएगा। दूसरा तरीका हम आपको कभी बताएंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है पराठा, बिना स्टफ किए आलू के पराठे बिल्कुल तैयार हैं, भी बहुत स्वादिष्ट है। बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे, और उसमें हम डालेंगे आलू मैश किया हुआ 2, और इस मैश किए हुए उबले आलू में हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब में ग्रेट किया हुआ पनीर। उसके बाद डालेंगे प्याज 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ, 1/4 टीस्पून के करीब में लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल दिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। और अब इनको हाथों से अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से, और साइड में रख देंगे स्टफिंग लेते हैं। तो हम आटा लगाने के लिए एक बाउल ले लेंगे, और उसमें डालेंगे 2 कप आटा, 1/3 टीस्पून अजवाइन, 1/3 टीस्पून कलौंजी, आधी छोटी चम्मच नमक, और 1 चम्मच के करीब में कुकिंग ऑयल। और अब हम इनको अच्छे से मिला के थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे, डो तैयार कर लेंगे।
तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इनको मसल मसल कर आटे को बिल्कुल सॉफ्ट सा डोप तैयार कर लिया, बिल्कुल टाइट नहीं है। तक क्रश देने के बाद ये आटा बिल्कुल तैयार हो गया है, सेट हो गया अच्छे से। तो अब हम इनके पराठे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो आटा लिया है उनमें से हमें इस तरीके से आटे को पहले प्लेटफॉर्म पे अच्छे से फैलाना है हाथों से, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें और इनको हमें बिल्कुल पतला बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही डो लेना है हमें और इनको हमें पतला बेलना है, बहुत बड़ा सा बना ले इस तरीके से। और अब हमें देसी घी लिया है मैंने यहाँ पर, आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। और अब इनको हमें चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से फैलाना है। तो घी को मैंने लगा लिया है, अब थोड़ा सा मैं सूखा आटा छिड़क लेती हूँ और अब हम इनको रोल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा फ्लेकी चाहिए तो आप घी ज़्यादा लगाएं। अब हम इनको कट करेंगे, तो इस तरीके से हमें काट लेना है और इसमें से एक को हम इस तरीके से लेंगे और लोई बना लेंगे और इनको हमें स्टफ़ करना है, जो स्टफिंग हमने बनाई थी। तो इस तरह से कटोरी का सेप दे दी और उसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग हमने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब में लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा स्टफिंग भरेंगे इस तरीके से और इनको रोल कर लेंगे। ध्यान रहे आटा सॉफ्ट लगाएंगे तो ये बिल्कुल पराठे बेलते समय फटेगा नहीं। तो इनको हम अब सूखा आटा लगाकर थोड़ा थोड़ा और बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बेले, नहीं तो इसकी जो लेयर है ना वो ख़राब हो जाएंगी। तैयार है ये। चाहे तो इस पर थोड़े से पुदीने के पत्ते इस तरीके से काट के इस तरीके से चिपका लें ताकि इसका लुक बहुत ही ज़्यादा यमी लगेगा। तो अब हम इनको सेक लेते हैं। तो तवे को ग्रिस कर लिया है मैंने और अब हम इस पर डाल देंगे। एक साइड अच्छे से सिकने के बाद इनको टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड भी हल्का सा सिकने के बाद हम घी लगाएंगे और दूसरी साइड भी अच्छे से घी लगा देंगे। सेम उसी तरीके से इसको भी हमें घी लगाकर अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। टर्न कर लेते हैं और दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे, थोड़ा सा दबा दबा कर करना है हमें। और ये बिल्कुल तैयार है, ये देखिए बहुत ही फ्लेकी और बहुत ही सॉफ्ट है खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कैसी लगी ये दूसरी रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है, कैसी लगी आपको ये दूसरी तरीके की पराठे? बहुत ही फ्लेकी है, सॉफ्ट है और खाने में इसका जो स्टफिंग है ना बहुत टेस्टी है। और आप देख सकते हैं पराठे बनाने का तरीका भी बहुत आसान और अलग था। अगर आपको नया लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने सुझाव मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये दूसरा तरीका कैसा लगा। आप देख सकते हैं कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है। तो चलिए अब तीसरा तरीका हम जान लेते हैं। पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। तो बाउल में डाल देंगे हम 2 उबले हुए आलू मैश किए हुए और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटी चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 1/2 छोटी चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, 1/2 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स, 1/3 टीस्पून काला नमक, 1/3 टीस्पून अनारदाना पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, अजवाइन डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ किचन किंग मसाला, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और अब हम इनको मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से और ये स्टफिंग रेडी है। आप देख सकते हैं कितना इजी है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दें। तो स्टफिंग को हमने साइड में रख लिया है और सेम तरीके से हमने आटा लगा लिया है जैसे हमने पहले लगाया था, थोड़ा सा अजवाइन और कलौंजी डाल के, नमक डाल के आटा लगा लिया है सॉफ्ट सा डो। और आटे को हमने सूखे आटे में लपेटना है इस तरीके से और अच्छी तरीके से इनको हमें बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही लें। तो अच्छी तरीके से हमें इनको फैलाना है, प्लेटफॉर्म पर फैलाएँ। ये देखिए बड़ा सा हमें रोल कर लेना है अच्छे से। और अब हमने जो स्टफिंग ली थी ना वो स्टफिंग हमें लेनी है और स्टफिंग को अच्छी तरीके से फैलाना है, जैसे हमने पहले तरीके में घी को स्टफ इस तरीके से स्प्रेड किया था उसकी जगह पे हमें यहाँ पर जो स्टफिंग हमने बनाई थी उसको फैलाना है। बिल्कुल पतली सी लेयर फैलानी है, बहुत मोटी नहीं। और अब हम लेंगे थोड़ा सा देसी घी और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा फ्लेकी और ज़्यादा लेयर चाहिए तो आप ज़्यादा लगाएं किनारे किनारे पे भी। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके घी लगा लिया है और अब हम इसको सेम तरीके से रोल कर लेंगे, लेकिन हमें इनको काटना नहीं है, इस रोल को ही हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और नीचे वाली लेयर को इस तरीके से लगा कर सील कर देना है। और बस हमें इसको बेलना नहीं है, हाथों से ही गोल गोल फैलाना है। थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर हम इनको हाथों से ही रोल कर लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे दबा दबा के। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है, मैंने अच्छे तरीके से इनको राउंड कर लिया है और ये थोड़ा सा मोटा ही बनेगा, बहुत पतला इसको नहीं बनाना है। और अब तवे को अच्छे से ग्रीस कर लें ऑयल लगाकर और इसको हम पराठे को रख लेंगे तवे पे। सेम तरीके से एक साइड सिकने के बाद इनको टर्न कर लेंगे
और दूसरे साइड भी अच्छे से सेक कर घी या फिर तेल लगा लेंगे और इनको हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाना है। तो टर्न कर लेते हैं और इस साइड भी अच्छे से कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और लेयर्स भी बने हैं इसमें। ज़्यादा लेयर्स चाहिए तो आप इसमें थोड़ी सी घी ज़्यादा लगाएं, बहुत ही अच्छी लेयर बनेगी। मैंने कम लगाया है तो ये देखिए अब इनको अच्छे से क्रिस्पी कर लिए हैं और बिल्कुल तैयार है। कैसा लगा आपको ये तीसरा तरीका? तो ये तरीका भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करिएगा और अपने सुझाव ज़रूर बताइएगा। सबसे लास्ट और सबसे टेस्टी पराठा, सबसे पहले हम एक बाउल में आटा डालेंगे। गेहूं का आटा है 2 कप। 1 टेबलस्पून के करीब में डालेंगे बेसन। दोस्तों इस बेसन को डालने से बहुत ही अच्छा क्रिस्पनेस आएगा और स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगा, तो इसके लिए 1 चम्मच बेसन ज़रूर डालें। अब नमक डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच नमक डाला है मैंने। अब मैंने यहाँ पर लिया हुआ है पालक के पत्ते, इनको मैंने थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरीके से काट लिया है। आप पालक की जगह पर मेथी के पत्ते भी ले सकते हैं या फिर मूली के पत्ते भी ले सकते हैं। ये मैं यहाँ पर 1 मुट्ठी डाल दूंगी कि 2 टेबलस्पून। और अब मैं डालूंगी इसमें घी, देसी घी है 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पे अजवाइन डालेंगे या फिर चाहे तो जीरा और अजवाइन दोनों को स्किप कर ले। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे हाथों से और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सा तैयार करेंगे। बेसन को डालने से थोड़ा सा चिपचिपाहट आएगी लेकिन बहुत ही अच्छा इसका टेक्स्चर बनेगा पराठे का। और बहुत टाइट डो नहीं लगाना है हमें, बिल्कुल ढीला सा आटा यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। तो अच्छे से मसल मसल कर तैयार कर, आप चाहे तो इसको किसी परात में गूथे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा तैयार कर लिया है। 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने रख देंगे। तो कढ़ाई को हमने गर्म करने रख दिया है। इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून के करीब में ऑयल या फिर घी या बटर कुछ भी डाल लें। 1/3 टीस्पून जीरा डालेंगे। अच्छे से क्रकल होने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून के करीब में बारीक कटा हुआ डालें और इनको हमें सुनहरा होने तक भूनना है। प्याज को हमने हल्का सुनहरा कर लिया है आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब में गार्लिक और अदरक का पेस्ट, उबले हुए मटर। ये उबले हुए हैं तो इनको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट पका लेते हैं। थोड़ी देर भूनने के बाद आप देख सकते हैं प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इनको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, अब थोड़ी देर भूनना है। आधी छोटी चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे हम, कि और कोई मसाला नहीं डालेंगे। अब डाल देंगे उबले हुए आलू मैश किए हुए और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इनको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी बारीक कटा हुआ डाल दें और इनको अच्छी तरीके से मिला लेना है और थोड़ी से मीडियम से लो फ्लेम के बीच में हम इनको भुनेंगे। बिल्कुल कुरकुरे यानी कि सौंधी सौंधी खुशबू आने तक भुनेंगे। आप देख सकते हैं ये देखिए जो रेड रेड हुआ है ना, यानी कि ये अच्छे से क्रिस्पनेस आ गई है इसके अंदर। तो ये तैयार है, हम इनको निकाल लेते हैं बाउल में और बहुत ही टेस्टी स्टफिंग तैयार है। अब हम पराठे बनाएंगे। आटा अच्छे से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लें ताकि ये चिपके नहीं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। इनको हम रोल कर लेंगे और तोड़ लेंगे छोटी छोटी लोइयाँ और सूखा आटा लगा के हम इनको थोड़ा सा चपटा करेंगे और इस तरह से कटोरी की शेप में कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे टेस्टी और क्रिस्पी सा ये स्टफिंग। 1.5 टेबलस्पून के करीब में डालेंगे और अच्छे से सील कर लेंगे हम दबा दबा के। ये देखिए आटा जितना सॉफ्ट रहेगा उतना अच्छी तरीके से सील होगा और बेलते समय फटेगा भी नहीं और पराठे बहुत ही औसम बनेंगे। तो ये सील हो गया है, अब हम इनको बेल लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हम इनको फैलाएंगे और बहुत पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा ही हम इनको रखेंगे। ये देखिए तो ये बेल लिए हमने और अब हम इनको सेक लेते हैं जैसे हमने पहले पराठे सेके थे। तवे को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब हम पराठे को रख के अच्छे से सेक लेंगे। एक साइड सेकने के बाद उलट लेंगे और इनको भी सेक लेंगे और उसके बाद घी या फिर बटर लगाकर हम इनको क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे। पराठे की और भी रेसिपीज के लिए आप ऊपर आई बटन पर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ही नए नए तरीके के पराठे की रेसिपी, आलू पराठे की रेसिपी मिल जाएगी। तो अब हम इनको अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही यम्मी लग रहा है ये और ये बिल्कुल तैयार होने वाला है हमारे। ये सबसे लास्ट और सबसे टेस्टी पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। कैसी लगी आपको ज़रूर लिख के बताइएगा। आपको कौन से पराठे बहुत अच्छे लगे वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। करके दिखा देती हूँ, ये देखिए स्टफिंग पूरे अच्छे तरीके से देखिए फैला हुआ है अंदर और बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो कैसी लगी आपको ये चारों तरीके के पराठे, बहुत ही है ना अलग और नए तरीके।
अगर आपको ये नया लगा हुआ तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और भी ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करिएगा जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ के पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर लिख के बताइएगा। यदि मैं आप इस नए तरीके के आलू पराठे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और सबको बहुत पसंद आएगा। तो मिलती हूँ अगली एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।